तो पुनः हम अपनी चर्चाओं को मौखिक स्रोतों पर वापस लाते हैं और मैं मौखिक स्रोतों के ऊपर आपके साथ विस्तार पूर्वक ये बात करना चाहूंगी कि क्या उदाहरण है। अब अफ्रीका का अगर हम और आप इतिहास लिखना चाहें या अमेरिका का इतिहास आप कब से लिखेंगे, जब उसके उसके भौगोलिक खोजे हुए यात्रियों ने खोजा, कोलंबस ने खोजा, उसके बाद अमेरिको वस्प्यूची के, क्या उसके बाद जो सफेद चमड़ी वाले लोगों का इतिहास है वही अमेरिका का इतिहास है? उससे पहले जो नेटिव इंडियंस रेड इंडियंस रहते थे उनका इतिहास कहाँ है? न्यूजीलैंड में माओरियों का इतिहास कहाँ है? अफ्रीका के आदिवासियों का अंग्रेजों के आने के पहले, अंग्रेज मतलब मेरा मतलब यूरोपियंस के आने के पहले इतिहास कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले कि उसे शाही बंदी गृह बना दिया गया और तरह तरह के लोग उसे अपना उपनिवेश बनाने लगे, उसके पहले का इतिहास ऑस्ट्रेलिया का कहाँ है? या फिर ऐसा इतिहास कहाँ है, एंटार्क्टिका में कोई रहता नहीं था लेकिन आर्कटिक समूहों में लोग रहते थे, उनका इतिहास कहाँ है? इनकाज, मायाज, एस्टेक्स का बड़ी मुश्किल से हम इतिहास लिख पा रहे हैं, और उसके पहले जो लोग रहे हैं उनका इतिहास कहाँ है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, बहुत दूर नहीं जाते हुए, मैं सिर्फ विदेशी उदाहरण नहीं दूं, तो आपको पता है कि ये हमारे कुछ इलाके हैं जैसे मुनस्यारी है और उत्तराखंड में अब है और चंबा वगैरह, हिमाचल के चंबा और मुनस्यारी और गढ़वाल के इलाकों में, बहुत सारे इलाकों सदियों तक वो चीन के साथ, भारत चीन का व्यापार करते रहते थे और उनका मिलना जुलना बहुत लोगों के साथ नहीं होता था। ये तो भारत चीन युद्ध के बाद है कि उनको भारत में पूरी तरह आत्मसात कर लिया गया और एक नए किस्म का कल्चर वहां पर आने लगा है। तो इसके पहले जो उनका इतिहास है वो कहाँ होगा जब वो लिखते ही नहीं थे? वो वॉन्डरिंग कम्युनिटीज थे, मतलब अपने यहां से गए, बाधाएं खुली तो चीन के साथ गया, व्यापार किया, वापस आ गया और फिर रह गए और मेन स्ट्रीम के मुख्य धारा के लोगों के साथ जुड़ाव नहीं, ऐसे लोगों का इतिहास कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट के लोग, नगा है, मीजो है, उनके उन कालों का इतिहास कहाँ है जब राजा नहीं है और कबीलियाए आपस में लड़ते हैं और जब लिखते पढ़ते नहीं, कहाँ है वो इतिहास? सो वेयर कैन यू सिचुएट दिस हिस्ट्री? आर वी गोइंग टू लीव लार्जर पार्ट ऑफ मैनकाइंड जस्ट विदाउट हिस्ट्री सिंपली बिकॉज दे हैड नॉट डेवलप्ड अ स्क्रिप्ट एंड दे हैड नो नॉलेज ऑफ राइटिंग हिस्ट्रीज एंड और the kind of techniques that we follow and we believe that we are writing a scientific history was not adhered to by these communities in the preceding periods. तो हम कैसे देख सकते हैं इसका इतिहास? क्या ये वो इतिहास हो सकता है जो पूर्व के कालों का इतिहास, मतलब हम मनुष्य जाति के इतिहास की बात करेंगे ही नहीं, हम 60% इतिहास, 70% इतिहास की बात नहीं करेंगे और फिर भी कहेंगे कि हम इतिहास लेखन कर रहे हैं और वैज्ञानिक इतिहास लेखन कर रहे हैं और इस वैज्ञानिकता को पाने की चक्कर में हम उन सारी चीजों की चर्चा ही नहीं करेंगे जिन चीजों की चर्चा के साथ आप संपूर्ण मानव जाति का इतिहास लिख सकते हैं। सो वेयर आर दीज पीपल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट? डेफिनेटली वील हैव टू ब्रॉडन आवर होराइजन, वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ दीज पीपल so that what we are talking about is actually not partial histories but complete histories of mankind. तो हमें याद रखना होगा हम selective इतिहास लेखन करके अपने आप को वैज्ञानिक होने का तमगा नहीं पहना सकते, हम सिर्फ अपनी मर्जी का इतिहास लेखन नहीं कर सकते, इनका है तो लिखेंगे, उनका नहीं है तो नहीं लिखेंगे, जिनका नहीं है उनके लिए नए स्रोत खोजेंगे और फिर नई बातें करेंगे और नई चीजें लिखेंगे, तो हम क्यों इन तक ही अपने आप को सीमित रखें? अब नाइजीरिया में जैसे आप देखेंगे कि एक ट्राइब्स है और वो जो है वो अपने राजाओं को नाम से याद नहीं रखता, काम से याद रखता है, दो पीढ़ी पहले, पांच पीढ़ी पहले। तो इस तरह से जो इतिहास लेखन हो रहा है उसको क्यों मान्यता नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि उसमें राजाओं का नाम नहीं है। इसलिए कई बार तो कई कबीलों में बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है इतिहास लेखन का, जैसे अफ्रीका में जूलूज हैं, उनका एक लोक कथाओं को कहने का एक तरीका है जिसे इसी बोंगा कहते हैं,
जिसमें वो अपने पूर्वजों की बातें करते हैं और उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, पर्टिकुलर फॉर्म होता है, पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है। तो ये जो इसी बोंगा है जो जुलूज गाते हैं, ये भी तो एक तरह का इतिहास है। सारी बातें उसमें वो कहते हैं और एक पर्टिकुलर स्टाइल में बोलते हैं। कम से कम भारत के निवासी तो ओरल सोर्सेज के महत्व पर सवाल ही नहीं उठा सकते। वेदों को श्रुतियां भी कहा गया, श्रुति मतलब सुनकर। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि गुप्त काल में जाकर फाइनली लिखा गया चीजों, उसके पहले लेखन इतना वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का जब से वो है। अब आप उनका तारीख 1500 ईसा पूर्व कर लें या 900 ईसा पूर्व कर लें या 2000 ईसा या 2200 ईसा पूर्व कर लें, आप इस तिथियों के बारे में विवाद कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात पर विवाद नहीं कर सकते कि अक्षरशः एक बिना अनुस्वार विसर्ग की गलतियां किए हुए ये सारी बातें हजारों सालों तक, हजारों सालों में कुछ 200-400 सालों की बात कर नहीं रहे, हजारों सालों तक ये इसी माध्यम से आगे बढ़ते रहे। और हमने इनको तब जाकर पांचवी शताब्दी में लिखा, चौथी शताब्दी में लिखा। तो हम भारतीय तो इस परंपरा से वाकिफ हैं। अंग्रेज जब इस पर शक करते थे तो उन्हें भारतीय मंदिर कांचीपुरम और वाराणसी जाकर उन्होंने स्वयं अध्ययन करके देखा कि आखिरकार भारतीयों की ऐसी क्या शैली और क्यों मान लिया जाए कि हजारों सालों तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया होगा। तब उन्होंने मंदिरों में देखा कि जिस रोट प्रणाली यानी याद करके और दोहराने की जो प्रणालियां हैं जिससे मंदिरों में ट्रेन किया जाता था, वो एक्चुअली फ्लॉलेस है और वो इतनी शानदार तकनीकें हैं जिसके बाद हम ओरल सोर्सेज पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी परंपरा इसी बोंगा भी है। तो ऐसी कई परंपराएं हैं जो मानक परंपराओं से बेहतर परंपराएं हैं। जब लिख दिया गया तो वो बात इतिहास है और जब नहीं लिखा गया तो वो बात इतिहास नहीं है, ये बात दमदार नहीं लगती। तो इन सारे लिमिटेशंस के बावजूद, मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो मौखिक स्रोतों को बेहद शानदार बनाती हैं और हम मौखिक स्रोतों से फायदा लेते हैं और इतिहास निर्माण की प्रक्रिया को और व्यापक और जनप्रिय बनाते हैं। We make it more popular. We make it more people-centric by following these techniques. लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है oral sources के बारे में। जैसे मैंने कहा ना कि हर प्रकार के इतिहास में आप किसी प्रकार का स्रोत लें, सबकी अपनी एक limitations है, आप उनकी एक सीमाएं हैं, उससे beyond वो नहीं जा सकते। जैसे सबसे बड़ा लिमिटेशन मुझे लगता है, या इतिहासकारों को लगता है, मुझे क्या, बड़े स्ट्रीम के इतिहासकार हैं, उन्हें लगता है कि सबसे बड़ा बाधा ही यही है कि मौखिक स्रोतों में क्रोनोलॉजी नहीं है, काल क्रम अनुसार आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने कहा ना कि समय की अवधारणा एक फ्रोजन टाइम है, एक जमा हुआ टाइम है। सो दैट फ्रोजन टाइम इज देयर एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रोजन टाइम द सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी इज एब्सेंट। सो दिस सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी नीड्स टू बी डेवलप्ड। फिर देयर इज लैक ऑफ इंटरडिपेंडेंस, यानी एक चीजों पर निर्भरता। आप एक सत्य दूसरे सत्य से कनेक्टेड होता है, दूसरा सत्य तीसरे सत्य से कनेक्टेड होता है, लेकिन ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है, एक चीजें दूसरे चीज से निरंतर जुड़ते रहती हैं, ये जो एक कनेक्टेडनेस है, ये जो निरंतरता है, ये कहीं ना कहीं बाधित होती है ओरल सोर्सेज में, ये निरंतरता नहीं रहती। फिर सारी और समग्र बातें और व्यापक बातें और सिलसिलेवार बातें मौखिक स्रोत नहीं बताता, दैट इज अनदर लिमिटेशन। यू कैन नॉट हैव अ डिटेल्ड हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओरल सोर्सेस। ऑफ कोर्स दे आर सिलेक्टिव थिंग्स दैट आर लेफ्ट बिहाइंड एंड ऑफ दीज सिलेक्टिव थिंग्स दे आर मेनी इंटरप्रिटेशंस एंड दीज इंटरप्रिटेशंस एट टाइम्स कैन बी कॉन्ट्रडिक्टरी एज वेल। सो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस इन यूजिंग ओरल सोर्सेस बिकॉज द लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड द लेवल ऑफ सिलेक्टिविटी इज हायर। फिर क्या है, पक्षपात होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप पता भी नहीं कर सकते कि कब क्या पक्षपात किया जा रहा है। तो आपको एक शोधार्थी के रूप में इन तकनीकों को में माहिर होना पड़ेगा कि कैसे आप मौखिक स्रोतों में से सत्य निकालें और असत्य को अलग कर दें। इवन इफ ओरल सोर्सेज इज गिविंग यू 30% ऑफ द फैक्ट एंड 70% इज बायस,
स्टिल यू हैव चांसेस दैट यू कैन वर्कआउट ऑन दोज 30% एंड रिमूव दैट 70% एंड यूज दैट 30% एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री. मेरे लिए तो ये एडवांटेज की बात है, जो भी ओरल सोर्सेज के बेसिस पर इतिहास लिख रहे हैं उनके लिए भी एडवांटेज की बात है कि वो बायसेस या पक्षपात के जो तरीके हैं उनको कम करना चाहते हैं. फिर जो भी चीजें समय के साथ, कई बार ऐसा होता है कि भाषाएं दूसरी भाषाओं में चली जाती हैं और एक तरह की जानकारियां खत्म हो जाती हैं. ये खत्म वाली जानकारियों को वापस लाने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है मौखिक स्रोतों में. ये बड़ा मुश्किल बात है. और अगर इतिहास की इस बात को मान लिया जाए जो साइंटिफिक हिस्ट्री रैंकियन हिस्ट्री है कि वन विटनेस इज नो विटनेस, ये बड़ा मजेदार है कि जैन वेंसीना कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट एलिगेशन दैट इज रेज्ड ऑन हिस्टोरियंस और दिस क्राफ्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री इज वन विटनेस इज नो विटनेस. अगर आपके पास किसी बात का एक ही सबूत है तो वो सबूत ही नहीं है. अगर ये मान लिया जाएगा तो ओरल सोर्सेज को आपको डिसमिस करना होगा क्योंकि वो समाज का एक वर्ग निकालता है. और एक शिकायत जो लार्जली ओरल सोर्सेज से रह जाती है वो ये कि वो बहुत महत्वपूर्ण लोगों के बारे में भी बहुत थोड़ी सी जानकारी देता है. इट गिव्स यू अ वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पीपल. इज अ ट्रिविया ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट. सो दैट इज वन थिंग दैट इज अ ह्यूजली और अ बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ सोर्सेज, ओरल सोर्सेज अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस ऑफ दिस क्राफ्ट. My next lecture would be how this craft has exceeded, what are the standard definitions and similar things. Thank you.